नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अचानक करोल बाग पहुंच गए और मोटरसाइकिल मैकेनिक से मिले। राहुल ने फेसबुक पर मैकेनिकों के साथ अपनी बातचीत की तस्वीरें साझा की और लिखा कि उन हाथों से सीखना जो रिंच घुमाते हैं और भारत के पहियों को गतिमान रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने करोल बाग मार्केट पहुंचे राहुल गांधी की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि ये यही हिंदुस्तान बनाते हैं, इन कपड़ों पर लगी कालिख हमारी खुददारी और शान है। ऐसे हाथों को हौसला देने का काम एक जननायक ही करता है। इससे पहले राहुल गांधी दिल्ली में चंडीगढ़ की यात्रा के दौरान ट्रक में यात्रा करते नजर आए थे। राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवरों से कई बातों पर मुद्दों पर बात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल बेंगलुरु में एक डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटर की सवारी करते भी नजर आए थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वहीं नोएडा में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ट्रैक्टर चलाकर किसानों के प्रदर्शन में पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद थे। इस वजह से महामाया फ्लाईओवर पर लंबा जाम लग गया। वाहन रेंगते हुए नजर आए प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ राकेश टिकैत ने मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मौसम ठंडा और आंदोलन गर्म होगा। कुछ कमेटी बनाकर निस्तारण करने की बात करी है। अब कितनों का निस्तारण होता है, क्या क्या चीज होए, बात तो बहुत मीठी करी, सेहत से भी मीठी बात करी। अब पता नहीं भाई सेहत में कुछ अंदर कड़वी चीज तो नहीं है। कितनी मांगे मांगी गई? माननी है अभी तो उन्होंने कहा कि आप लिखित में दे दो, अलग अलग उसकी चीज और कमेटी बना दी, वो कमेटी बातचीत करती रहेगी और उसका समाधान करने की कोशिश करेगी। धरने की क्या रणनीति रहेगी आगे? आगे की रणनीति रहेगी अपना, अब तो लोग घर जा रहे हैं, आगे की अपना तैयारी करें और अपना बात करते रहे, समाधान करवाते रहे। समाधान नहीं निकलता तो क्या होगा? हाँ, धरना समाप्त होगा। समाधान अगर नहीं निकलता तो आगे नहीं निकलता तो जैसे सर्दी बढ़ेगी तो आंदोलन गर्म होगा। फार्मूला है हमारे पास में भी, दवाई है हमारे पास में भी, उस दवाई का इस्तेमाल करेंगे। अभी धरने समाप्त कर दिया गया? हाँ, धरना समापन हो गया। अभी बातचीत के आधार पर समापन हुआ है। कुछ कमेटी वहीं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 पर बीसीसी उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है। राजीव शुक्ला ने कहा कि वॉच आईसीसी को सभी आयोजन स्थलों को मंजूरी देनी होगी, ये पूरी तरीके से बीसीसीआई के हाथ में नहीं है। इसलिए जो लोग आपत्ति जता रहे हैं उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि इन स्थानों को चुनते समय हमें आईसीसी की सहमति की भी आवश्यकता है। I think it's a well-drafted schedule and everybody has pondered over it and new venues have been added, like Lucknow has been added. UP never got any chance to host World Cup, I mean, ever before. So they have been given chance. Guwahati has been given chance. Lot many venues from South have been added. So I think they have given a fair amount of consideration before finalizing the venue. Secondly, you should always keep in mind, ICC has to approve all those venues. It's not purely in BCCI's hands. ICC has to approve those venues. So all those who are raising objection, they should realize that we need a consent of ICC also while picking up these venues. वही देश में इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड के गुणगान कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। अब कांग्रेस नेता ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। मोदी जी, देश में महिलाओं की क्या हालत है? देश में जो पदक विजेता महिलाएं हैं वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उनके ऊपर उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। आप चुप रहे, आपकी सरकार चुप रही और आज आप महिलाओं का ढिंढोरा पीट रहे हो। हाथरस की बेटी को आधी रात को केरोसिन डाल के जलाया गया और आप चुप रहे, आप खामोश रहे। सेनगर जैसे लोगों के साथ जिन्होंने बेटियों को साथ यौन उत्पीड़न किया, आप उनके साथ खड़े रहे, आज आपको महिलाएं याद आ रही है। दिल्ली में सरेआम एक बच्ची का कत्ल हो जाता है, दिल्ली पुलिस जो कि होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है, आप खामोश क्यों रहे उस दिन? वही पीएम के यूसीसी वाले बयान पर
ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि देश की विविधता को समस्या समझ रहे हैं पीएम। अभी देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और उसके जवाब में ओवैसी की क्या प्रतिक्रिया सामने आई। कि जो भी तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को प्लूरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्हों क्या बोलते, वन नेशन वन इलेक्शन वन टैक्स वन लॉ वन कल्चर वन रिलीजन वन आइडेंटिटी और अब तो वन फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए बोल रहा हूं आर्टिकल 29। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला किया है। संजय राउत ने कहा कि उन्होंने 1,00,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का सबूत दिया था। उन्होंने और क्या कुछ कहा आपको सुनवाएंगे। सवाल हमने भ्रष्टाचार के बारे में पार्लियामेंट में पूछा है, अगर उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जवाब देते तो हम अभी जवाब देने में हमें आसानी से हमें यहाँ जवाब देने में कोई तकलीफ नहीं होती। पार्लियामेंट नहीं चल रहा है भ्रष्टाचार के मामले में क्योंकि आप जवाब नहीं देते। देश में, अरे महाराष्ट्र में मैंने 1,00,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के एविडेंस दिए हैं ईडी के पास और सीबीआई के पास। महाराष्ट्र में सभी बीजेपी के और एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री हैं। क्या प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर बोलेंगे या भ्रष्टाचार को इस राज्य में जहां आपकी सरकार है कौन समर्थन दे रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है? दादा भुसे, राधाकृष्ण विखे पाटिल, अब्दुल सत्तार, राहुल कुल, तानाजी सावंत, गुलाबराव पाटिल, ये जो पांच मंत्री और आपके विधायक हैं, उनका लाखों का करोड़। वहीं दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 2014 के बाद से 1,45,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क जोड़कर चीन को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान अपने मंत्रालय की उपलब्धियों को साझा किया। पिछले 9 सालों में भारत ने कई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जोड़े हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारत के अब तक के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 9 साल पूरे किए हैं। ये 9 साल हमारे देश के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण साल है। हमारा देश एक तरफ अमृत महोत्सव 75 साल पूरे कर रहा है और उसमें से ये 9 साल ये देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस 9 साल में सभी क्षेत्रों में जो विकास हुआ है, देश की तस्वीर बदली है, उसको केवल देशवासियों ने नहीं दुनिया ने भी रिकग्नाइज किया है। जहाँ तक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए मेरे विभाग के विषय के बारे में ही 9 साल में क्या हुआ है इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे देश में जो रोड नेटवर्क था जब हमारी सरकार आई तब 91,287 किलोमीटर था और आज उसमें 59% इंक्रीज हुई और उसमें 1,45,240 किलोमीटर। वही पंजाब भर में पीआरटीसी और पनबस के कर्मचारियों ने हड़ताल करके बसों का चक्का जाम कर दिया। पंजाब रोडवेज पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन के सूबा सीनियर मीत प्रधान कुलवंत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी। पंजाब सरकार का अपने विभागों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है, जैसा कि
बीआरटीसी में किलोमीटर स्कीम बसों के टेंडर निकालकर विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका यूनियन की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मुलाजिमों की मांग मानकर भी लागू नहीं कर रही है, जिससे सिद्ध होता है कि सरकार अपने विभागों के अधिकारियों पर कंट्रोल खो चुकी है। कुलवंत सिंह जी, अज का जो प्रदर्शन है साडा, वो साडी पीआरटीसी ते रोडवेज की मैनेजमेंट के खिलाफ है। तो पंजाब दे विच साडे वल्लों बड़ी मेहनत करके आम आदमी की सरकार जिहड़ी चुनी गई सी कि साडे किते ना किते वादियां ते खरी उतरेगी, जिन्हां दे सत्ता दे विच आउण ते असीं आपदे डिपुआं दे गेटां ते लड्डू वंड के भंगड़े पा के खुशियां मनाईआं कि असीं जिहड़ियां सरकारां लोटू सरकारां सी उहनां नूं चलदे कीता, तो आम लोगों की सरकार चुन के असी अपने हक लैण दे विच कामयाब होवांगे। पर सब तो पहला तो इस सरकार ने पहलकदमी की कि साडे विभाग दे विच कच्ची भर्ती की आउटसोर्स दे, उस तो बाद उन्होंने तनखाह दी 9,000 रुपया जिहड़ी कि असी मुख्यमंत्री साहब नूं दसना चाहुंदे वी अज्ज दी महंगाई दे समें दे विच 9,000 रुपये दे विच इक बंदा आपदे घर दा परिवार दा पालन पोषण किवें। नाम गुरप्रीत सिंह कमालू है जी, असी पीआरटीसी कंडक्ट वर्कर यूनियन दे जिहड़ी अज्ज चक्का जाम कर रहे हैं पीआरटीसी दा सारी दा, क्योंकि साडियां हक्की मंगां पिछले लंबे समय तो लैके जी असी रुजगार पक्के कराउण दी गल ला लो जां किलोमीटर गड्डियां दे विरोध कर रहे हैं भी जिहड़ी गड्डियां ने किलोमीटर गड्डियां ना पाईआं जाण जी, तो महकमे दी गड्डियां पाईआं जाण जिहदे विच आने वाले वर्करां नूं जिहड़ा उहदा बेनीफिट मिल सके। जिला कलेक्टर देवास ऋषभ गुप्ता के निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी वंदना पांडे के मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त कन्नौज में अवैध निर्माण शराब निर्माण के विक्रय और संदिग्ध स्थानों पर सर्चिंग की गई। इस दबिश के दौरान भारी मात्रा में शराब और लहन बरामद की गई। वहीं उज्जैन में जमीन विवाद में बुजुर्ग दादा ने अपने पोते पर तलवार से हमला करने का प्रयास किया। इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। पोते ने दादा के खिलाफ पुलिस को शिकायत की है। पुलिस अब मामले में कार्रवाई कर रही है। ये पूरा मामला नागजीरी थाना क्षेत्र के लालपुर गांव का है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर बुजुर्ग दादा ने अपने पोते पर तलवार से हमला किया। हालांकि इस दौरान पोते और उसके दोस्तों ने वहां से भाग कर जान बचाई। खेत पर हुई इस घटना का मोबाइल का से किसी ने वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित का कहना है कि लालपुर में उसके दादा सेवाराम अंजना के नाम पर 34 बीघा जमीन है। दादा ने ये जमीन किसी और को लीज पर दे दी थी। जब उसने दादा से जमीन लीज पर लेने की बात कही तो उसे खेत पर बात के लिए बुलाया गया था, इसी दौरान हमला किया गया। डी साहब, एक मामला सामने आया है जिसमें दादा ने पोते को तलवार मारी, जमीन विवाद के मामले में क्या पूरा मामला? हाँ, एक लालपुर क्षेत्र का मामला है, सेवाराम है, उनका पोता है आदर्श अंजना, तो उनके बीच में थोड़ा ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है, जिस पर से आज दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। क्या घटनाक्रम रहा था वहाँ पर, क्या हुआ? वहीं वो जो सेवाराम है अपनी ज़मीन पे शायद ट्रैक्टर चलाने गए थे, और जो उनका पोता है आदर्श वो भी ज़मीन पर गया हुआ था, तो उनको भी कहाँ सुनी ज़मीन को लेकर हुई है और उसमें मारपीट हुई है। अभी घटना की तस्दीक कर रहे हैं। तलवार भी मारी है दादा ने, उसका एक वीडियो भी सामने आया है। हाँ, अभी आप बताया है फरियादी ने ऐसा कि तलवार से भी हमला किया है उसी। वहीं मुरादाबाद की थाना सिविल लाइन क्षेत्र का एक मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना निवासी मुकुल अग्रवाल ने डीएम कार्यालय जाकर प्रार्थना पत्र दिया है। मुकुल अग्रवाल का आरोप है कि उनकी जमीन पर अवैध तरीके से कुछ दबंगों ने निर्माण किया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि दबंग पहले ही NBW वारंटों में वांछित चल रहे हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। मुकुल राय ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने चौकी और थाने के साथ SSP और DIG कार्यालय में भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। समिति पे कुछ फ्रॉड हुआ था आज 2015 में, जिसके रिगार्डिंग FIR हुई थी और वो लोग सब चार्जशीटेड हुए, ठीक है। उनके वारंट लगातार 2019 से जारी हैं, लगातार चल रहे हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। वो लोगों ने क्या करा कि उस ज़मीन को जो रजिस्ट्री कोर्ट द्वारा निरस्त हो चुकी है उनसे आगे बेच दिया लोगों को। वो लोग मौके पर कब्जे कर रहे हैं ज़मीनों पर और पुलिस को इस बारे में कोई काम नहीं कर रही है। पुलिस को कई बार अप्लीकेशनें दी जा चुकी हैं, पुलिस इसमें कोई सहयोग नहीं कर रही है। इसलिए हम इसमें DM साहब से मिलने आए थे और DM साहब को पूरा प्रकरण बताया गया। अब अभी फिलहाल में क्या ऐसा मामला हुआ जो आप आए क्या बाबा? अभी अचानक ही आज से 4 दिन पहले ज़मीन पर रात को कब्जा किया गया, 150 माफिया आए, जिसमें बारे में हमने 112 पे पुलिस को बुलाया,
पुलिस आई, उन लोगों को मौके पर पकड़ा गया, थाने ले जाया गया और थाने से उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस ने उन्हें क्या नाम है, कौन सा थाना पड़ता है? थाना सिविल लाइन है और उन लोगों के नाम है विक्रांत यादव है, अरविंद। वहीं उज्जैन की देवास में एक पटवारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने पटवारी को जमीन के बंटवारे को लेकर कहा था, लेकिन पटवारी ने खुद तहसीलदार को काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं बात कहके 20,000 रुपए की मांग की। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उन्होंने पटवारी को 8,000 रुपए दे दिए थे और आज पटवारी को बाकी बचे हुए पैसे देने थे, उनके घर पर आया था। इसी दौरान विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। DOW उज्जैन श्री दिलीप मुंडू साहब को बसंती लाल पटेल जो रिटायर्ड प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने आवेदन दिया था कि मिर्जापुर गांव में उनकी एक खेती है जिसके बटांकन के लिए उन्होंने आवेदन दिया था। उस आवेदन के निराकरण के लिए जो पटवारी हैं उन्होंने उनसे 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी है, 8,000 वो दे चुके हैं, वो देने की स्थिति में नहीं है और उस कारण उनका काम नहीं हो रहा है। इसकी तस्दीक पुलिस अधीक्षक दिल्ली श्री दिलीप सुनसार कराई गई, मामला सही पाया गया। आज 12,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पटवारी जो वहाँ के पटवारी थे श्री बाबूलाल पांचाल पिता श्री भैरूलाल जी को रंगे हाथों पंचों के समक्ष गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध अभी कार्रवाई की जा रही है। में भी कुछ प्रकरण इनके खिलाफ आपके संज्ञान में आए थे? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं आया है। अगर विवेचना के दौरान ऐसी कुछ आता है तो उसको विवेचना में शामिल। मेरा नाम है बसंतीलाल पटेल। हाँ, मैंने जो है अपने बंटवारे के लिए आवेदन दिया था। हाँ, उसके लिए तहसीलदार को पटवारी ने बोला कि तहसीलदार को पैसे देना पड़ते हैं, आपको पैसे लगेंगे। मैंने कहा आप कितने लगेंगे? बोले 20-25,000 रुपये लगेंगे। ठीक है साहब। हाँ, तो मैंने उनको 20,000 रुपये पेमेंट कर दिया। हाँ, और इसकी शिकायत मैंने उज्जैन की थी। फिर आज क्या कुछ कार्रवाई हुई? बस आज ये जो है इनने कार्रवाई करी है कि आज ही आप आए थे पैसे देने इनको? हाँ, इसके पहले भी 8,000 रुपये दे चुका था मैं। 20,000 आज दिए? आज 12,000 रुपये दिए। अच्छा, आप करते क्या हैं? मैं रिटायर हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अच्छा, मेरा नाम है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई दिन दहाड़े लूट की वारदात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में दिन दहाड़े प्रगति मैदान के पास लूट हुई, ये तो जंगल राज हो गया है। क्या देश की राजधानी में इस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? इसका एक ही वजह है, केंद्र सरकार और उपराज्यपाल अपनी पूरी ऊर्जा दिल्ली सरकार के काम रोकने में लगाते हैं। आपसे नहीं संभलता कानून व्यवस्था तो हमें दीजिए, हम दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहर बना देंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से 42 नए चार्जिंग स्टेशन चालू किए गए हैं। इसके पहले पिछले साल 11 थे तो अब 53 हो गए, लेकिन ये तो वो हैं जो दिल्ली सरकार की तरफ से चालू किए गए हैं। पूरी दिल्ली में इस वक्त लगभग 4600 चार्जिंग स्टेशन हैं और 250 से ज्यादा बैटरी स्वैपिंग स्टेशन हैं। तो दिल्ली के अंदर जो चार्जिंग का नेटवर्क है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग का नेटवर्क, ये पूरे देश में सबसे बड़ा नेटवर्क है। पूरे देश में जितने भी चार्जिंग स्टेशन हैं, सारा देश मिला लीजिए, उसके एक तिहाई चार्जिंग स्टेशन दिल्ली के अंदर हैं। तो और दिल्ली में जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, पूरे देश में जितने भी व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उसका केवल 6% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, दिल्ली में 13% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं। इससे जाहिर तौर पे पोल्यूशन के ऊपर काफी पोल्यूशन कम होगा। और मैं लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बिजली से व्हीकल जो चला रहे हो ये सबसे सस्ते पड़ते हैं। अगर आप स्कूटर चलाते हो, पेट्रोल से चलता है स्कूटर, तो आपको 2.25 रुपए प्रति किलोमीटर स्कूटर पे खर्चा आता है, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो 7 पैसे प्रति किलोमीटर खर्चा आता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो पेट्रोल से कार चलाओ तो 7 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है। मेरा ये कहना है कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के पास
दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं है। केवल मीटिंग्स बुलाने से काम नहीं चलेगा। मीटिंग्स बुलाना एक औपचारिकता है। दिल्ली के अंदर कल प्रगति मैदान, जहां पे G20 होने वाला है, उसके सामने G20 प्रगति मैदान के अंडरपास में दिन दहाड़े गाड़ी रोक के और लूट के ले गए वो उसका बैग, हमने टीवी उसमें कैमरा में देखा। ऐसे तो ये तो जंगल राज हो गया है दिल्ली के अंदर। ऐसे लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मैंने देखा कोई किसी मार्केट के अंदर पीछे से ताला तोड़ के उसको लूट के ले गए। ये हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? क्या हम कह सकते हैं कि क्या देश की राजधानी के अंदर इस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? उसका एक ही कारण है कि केंद्र सरकार और एलजी साहब 24 घंटे केवल और केवल दिल्ली सरकार के काम रोकने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। कैसे दिल्ली सरकार के स्कूल रोकें, कैसे इनके मोहल्ला क्लिनिक रोकें, कैसे इनकी पानी की सप्लाई रोकें, कैसे इनकी बिजली रोकें। मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमें हमारे काम करने दो, आप अपने काम करो, और अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं सुधरती, आप हमें दे दो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हम दिल्ली को देश की सबसे सुरक्षित शहर बना के दिखा देंगे। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की ओर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी के बाद लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो गया था कि किसका बिल बढ़ेगा किसका नहीं। इसको लेकर पावर मिनिस्टर आतिशी ने बयान जारी किया। आतिशी ने कहा कि जिनका बिल जीरो आ रहा था उनका बिल जीरो ही आएगा, लेकिन जिनका बिल 200 यूनिट से ऊपर या बड़े उपभोक्ता है उनको 8% अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। इसके साथ ही बिजली के बढ़ते टैरिफ को लेकर आतिशी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। आतिशी ने जानकारी देते हुए कहा कि मैं दिल्ली के उपभोक्ताओं को बताना चाहूंगी कि बिजली का बिल जीरो आता रहेगा चाहे सरचार्ज क्यों ना बढ़े। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की वजह से दिल्ली में टैरिफ बढ़ा है, देश में कोयले का दाम बढ़ गया है क्योंकि कोयले की शॉर्टेज है। कोयला खरीदने वालों को 10% महंगा इम्पोर्टेड कोयला ही खरीदना पड़ता है। बिजली का दाम बढ़ रहा है जिसकी वजह से उनका बिल चाहे 1% बढ़े, चाहे 4% बढ़े, चाहे 5% बढ़े, दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि ये PPAC की वजह से उनका बिल क्यों बढ़ रहा है। तो मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूँ कि आज जो बिजली का बिल बढ़ रहा है दिल्ली में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है। क्यों है केंद्र सरकार जिम्मेदार? क्योंकि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियां जो बिजली खरीदती हैं वो दो सोर्सेस से खरीदती हैं। नंबर वन, NTPC के थर्मल पावर प्लांट से ये बिजली कंपनियां बिजली खरीदती हैं। नंबर दो, दिल्ली के गैस पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट से ये बिजली खरीदती हैं, जिन गैस प्लांट्स को भी गैस की सप्लाई केंद्र सरकार से आती है। तो अगर आप देखने जाएंगे तो जो 5 पावर प्लांट्स हैं जो दिल्ली को पावर सप्लाई करते हैं, अरावली, MPL, दादरी 2, MTPS 7 और बवाना, इसमें से 4 पावर प्लांट्स NTPC के हैं। और इन चारों पावर प्लांट्स में जो DERC द्वारा अप्रूव्ड टैरिफ है उससे 15% से लेकर 50% ज्यादा महंगे दामों पर केंद्र सरकार की NTPC द्वारा दिल्ली की बिजली कंपनियों को बिजली बेची जा रही है। महाराष्ट्र में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा में BJP और विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उस दौरान उन्होंने मुस्लिम लोगों पर हमला करने वाले लोगों को नाथूराम गोडसे की औलाद तक कह दिया। क्या आपने बड़ा अच्छा काम किया है। अरे क्या हो रहा है हमारे महाराष्ट्र में, गरीबों को गाड़ी से उतार कर पीट पीट कर उनकी जान ले ली जा रही है। मैं मुतालबा डिमांड करता हूं कि एक हफ्ते के अंदर पोरों को गिरफ्तार करना, आप जेल को भिजाना उन तमाम जालिमों को जिन्होंने हमारे सुलेमान अंसारी को और अब्दुल अफान माजिद अंसारी का कत्ल किया। ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है, ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है। इन्होंने हमारे इन
मासूम इंसानों की जान ली है। हम मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, कुछ तो बोलो। अच्छा, कुछ तो ये सेकुलर पार्टी के लोग बोलो, राष्ट्रवादी के लोग बोलो, कांग्रेस के लोग बोलो, ये आपके शिवसेना के लोग बोलो, मैं क्या दही जाऊंगे? हम जब बोल सकते तुम क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए नहीं बोलते कि तुम्हारी मौत इनको पसंद है, मगर तुम्हारे ओट से मोहब्बत है। तुम्हारी जिंदगियों से मोहब्बत नहीं, सिर्फ तुम्हारे ओट से मोहब्बत है। मजलिस को तुम्हारे ओट से नहीं, मजलिस को तुम्हारे हक से मोहब्बत है, मजलिस को तुम्हारे इंसाफ से मोहब्बत है। हम यही चाहते हैं। अच्छा, अब आप सुन लो, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, यहां से आपने एक मोहतरमा को कामयाब कर दिया। आपने वोट इसलिए दिया क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग बोले, मियां बीजेपी को हराना है, वोट दे दो उसको। मस्जिद से ऐलान हो गया, हम सब ने कहा क्या करेंगे रे भाई, उनको वोट दे दिए, उनको जीत गए मैडम। और मैडम जैसा दिल्ली को पहुंचते क्यों ना बता दिए अपना असली रंग, माने अपना असली चेहरा। क्या बता, क्या बोले मैडम, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, जैसा बोलते वैसा नहीं है। हाँ, मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।